हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर वर्ल्ड। एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू रीड योर थर्ड चैप्टर, दैट नेम इज वी आर स्पेशल। आज की वीडियो के अंदर आपकी ईवीएस बुक का जो थर्ड चैप्टर है वी आर स्पेशल, हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको क्लास फिफ्थ ईवीएस नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप बाकी वीडियोस को देख सकते हो। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वी आर स्पेशल, हम कुछ खास हैं। स्पेशल यानी कि खास। तो चैप्टर में क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ना ओवरऑल अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर समझा दूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके भी चैप्टर में था क्या। देखिए, हम चारों ओर जब अपने देखते हैं, आस पड़ोस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं मार्केट में, कहीं रिश्तेदारी में, तो हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अंधे होते हैं, देख नहीं सकते। आँखों में कुछ बेचारों के प्रॉब्लम होती है तो देख नहीं सकते। और कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनसे बोला नहीं जाता, गूंगे होते हैं ना, बोल नहीं सकते। और कुछ बहरे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता। कईयों को फिज़िकल कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चल नहीं सकता, किसी के हाथ कटा हुआ, किसी की लात कटी हुई है, हैंडीकैप्ड कुछ बचपन से होते हैं, कुछ एक्सीडेंट के कारण हो जाते हैं। तो क्या ऐसे लोग फिर पढ़ाई नहीं करते क्या, क्या वो पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं? ये पहले होता था, पहले वो लोग नहीं पढ़ सकते थे। बट अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम की, तो अब बहुत सी टेक्निक्स यहाँ पे आ चुकी हैं उनको पढ़ाने के लिए। अलग अलग मेथड्स आर यूज्ड, मेथड्स के यूज़ किया जाता है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो अंधे होते हैं उनको कैसे पढ़ाया जाता है। फिर हम देखेंगे कि जो लोग गूंगे और बहरे होते हैं उनको कैसे पढ़ाया जाता है। और एक बीमारी यहाँ पे आएगी सेब्रेल नेम से, उस बीमारी के बारे में कुछ जानेंगे। तो पढ़ते हैं चैप्टर को लाइन टू लाइन, फिर ही आपके समझ में आएगा। तो पहले अंधों की बात की जाएगी। यहाँ पे एक नेम आएगा, ब्रेल सिस्टम, यहाँ पर ब्रेल स्क्रिप्ट। तो क्या था वो, पढ़ते हैं। इफ़ योर आईज आर ब्लाइंड फोल्डर्ड and you are asked to read, then will you be able to read? Your answer will be no. मान लीजिए कि आपकी आँखों पर किसी ने पट्टी बांध दी। आँखों पर पट्टी बांध देना means blind folded कर देना। और फिर आपको कहा जाता है कि आप कोई चीज़ पढ़ के बताइए, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? Will you be able to read? तो आपका जवाब रहेगा no, नहीं। अब आंखों पर पट्टी बांधी हो तो क्या पढ़ लोगे ना, नहीं पढ़ा जाएगा। बट देर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु कैन नॉट सी बट दे कैन रीड। बट दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, जो लोग देख नहीं सकते बट दे कैन रीड, वो पढ़ सकते हैं। हेलन केलर वॉज अमंग द वन हु कुड नॉट सी बट शी इज़ नोन एज ए राइटर। तो ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल है हेलन केलर का, जो कि एक लड़की है, देख सकती नहीं थी, बट वो प्रेजेंट टाइम के अंदर एक राइटर है। राइटर द पर्सन हु राइट समथिंग, हु राइट्स समथिंग। तो लिख सकती, इट मीन्स पढ़ना लिखना आता है, बट अंधी है, देख नहीं सकती, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो आगे पॉइंट दिया हुआ है, How do people do who are unable to see read books? तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं? चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। नॉर्मली आपको एक बैग लेना है, बैग के अंदर कुछ चीज़ें रखनी है, सिमिलर सी चीज़ें, जैसे पेन, पेंसिल, स्केच, ये एक जैसे होते हैं। फिर अपने फ्रेंड की आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और उसे कहिए कि बैग के अंदर हाथ लगाकर कोई एक चीज़ बताइए कि ये चीज़ कौन सी है। ऐसे फिर उनसे और चीज़ें पूछिए भी, ये चीज़ कौन सी है, आइडेंटिफाई करना है उसको। तो
यही एक्टिविटी आपकी लिखी हुई है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ। टेक ए बैग ऑफ थिक क्लॉथ एंड इन दैट पुट सम आइटम्स डैट आर सिमिलर लाइक पेंस पेंसिल्स स्केचेस पेंस एट्सेट्रा। बैग लीजिए मोटा सा थिक क्लॉथ का, उसके अंदर ये चीज़ें रख दीजिए। नाउ मेक योर फ्रेंड बी ब्लाइंड फोल्ड, अब उसके आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। एंड आस्क हिम टू पुट हिज हैंड इन साइड द बैग एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द आइटम्स। उसको पहले एक बोलिए कि पहचान के दिखा। इन द सेम वे आस्क ऑल योर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई ईच आइटम इन टर्म्स। तो एक एक करके सारी की सारी चीज़ें उससे पूछिए। अब आपको उससे एक सवाल पूछना है कि आपने इन चीज़ों को कैसे पहचाना, आपको क्या लगता है कि उसका जवाब क्या रहेगा? मेरे अकॉर्डिंग तो वो यही कहेगा कि मैंने टच करके इसको पहचान लिया कि ये पेन थी, ये पेंसिल थी, ये आपके कलर्स थे। तो नीचे लिखा हुआ भी यही है। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स? यू मस्ट हैव आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग देम। सिमिलरली योर फ्रेंड हु कैंट सी रिकॉग्नाइज द लेटर्स बाय टचिंग देम विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल स्क्रिप्ट नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि जिस प्रकार आपके फ्रेंड ने बैग में जो रखी हुई चीज़ें थी टच करके पहचान लिया, इसी प्रकार जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो भी टच करके पढ़ाई करते हैं और उनके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, मेथड तैयार किया गया है जिसे हम कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। तो क्वेश्चन बन गया यहीं से इम्पोर्टेंट कि व्हाट इज़ ब्रेल स्क्रिप्ट। फॉर द पीपल हु कांट सी रिकॉग्नाइज द लेटर्स बाय टचिंग देम विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल स्क्रिप्ट डैट इज नॉन एज ब्रेल स्क्रिप्ट। अब ये ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है तो नीचे पिक देखिए, आई होप क्लियरली आपको पिक दिख रही होगी। तो ऐसे ही होती है ब्रेल स्क्रिप्ट। लेट्स नो द ब्रेल स्क्रिप्ट। देखिए छः छः डॉट लगे होते हैं, कुछ डॉट उभरे हुए होते हैं, छः डॉट बने। अगर ए बोलना है तो ए वाले बॉक्स में जो ऊपर वाला जो फर्स्ट का डॉट है वो ऊपर उभरा हुआ होगा। इसी प्रकार आप आगे देखोगे बी में, फिर सी में, डी में, ई एफ जी एच, पूरी की पूरी ए बी सी ए टू जेड। ए के लिए अलग से है, बी के लिए अलग है, सी के लिए अलग है। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मान लो कोई पेज है उस पर कुछ उभरे हुए डॉट हैं जिनको आप टच करके कहोगे कि ये उभरा हुआ है। ऐसे ये सिस्टम होता है ए बी सी डी पूरा, उनको ये चीज़ याद करवाई जाती है, समझाई जाती है। आप सोचोगे सर ये इतने ज़्यादा समझ में कैसे आते होंगे, तो एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि आपको ए बी सी डी ये कैसे याद होगी, आपको ए एन आर ये कैसे याद हो गया, 1 2 3 कैसे याद हो गया। तो आप अभी 5th क्लास में हो तो 4 साल लग गए, 5 साल लग गए, तो आपको अब जाके समझ में आने लगा है। तो 4 5 अगर 1 साल 2 साल लग जाएंगे तो क्या ये आपके लर्न नहीं हो जाएंगे सिर्फ इतनी सी टेबल? तो जब उनको ये टेबल लर्न हो जाती है भी ए को ऐसे ही लिखना है, बी को ऐसे लिखना है, तो उनकी फिर वो प्रैक्टिस होती है और हैबिट बन जाती है। तो फास्ट फास्ट अपनी अकॉर्डिंग जितना उनका लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग वो लिख पाते हैं। तो ये जो नीचे डॉट दिए हुए हैं ये इसी को कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। आई होप पेज जो फर्स्ट आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हम मूव करते हैं पेज सेकंड पर। तो ये आपका पेज नंबर सेकंड है। ईच लेटर इन ब्रेल स्क्रिप्ट लाइक ए बी सी डी हैज स्पेशली एम्बोज्ड इंडिकेट्स द फिगर ऑफ द लेटर आर मेड फ्रॉम 6 एम्बोज्ड डॉट्स इन स्क्रिप्ट। तो ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि एक पेज होता है उस पर डॉट खुदे हुए होते हैं, टच करके उनको पहचाना जाता है। 6 डॉट होते हैं, याद रखना 6 डॉट होते हैं, ये चीज़ याद रखना। डॉट कितने होते हैं? 6। अच्छा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये ब्रेल सिस्टम बनाया किसने था। लुई ब्रेल नाम का एक लड़का था फ्रांस का, वो अंधा हो गया था, उसने बनाया था लुई ब्रेल। तो लुई ब्रेल से ये नेम पड़ गया ब्रेल स्क्रिप्ट। ओके तो अब नीचे आपको दो पिक दिखाई दे रही है, मैं इसको टच करके समझाता हूँ आपको पेन के जरिए। पहली पिक आप इसको देखिए, सेकंड पिक आप इसको देखिए। अब
पहले पिक में क्या है, ये आपको पेन सा दिखाई दे रहा है ना, पेन दिखाई दे रहा, पेन है ये, निकू आगे से तीखा है, और यहाँ पे देखो इसके ऊपर ये डॉट से बने हुए हैं खांचे से, और पास में ये पेन पड़ा हुआ है नीचे, ये देखो यहाँ पड़ा हुआ है नीचे पेन है ना। ओके जस्ट लेट मी यूज़ पेन। ओ भाई हो जा, पेन कहाँ चला गया। ओके ये देखो ये पड़ा छोटा सा पेन, ये पूरा पेज है, ये ऊपर ब्लैक ब्लैक है ना, ये ऐसे खाली पेज होता है, खाली पेज के ऊपर क्या करते हैं वो जो ब्लैक सा ये चला देते हैं ऊपर एक पेज के ऊपर, फिर इसकी सहायता से ये पेन है ये जो यहाँ पड़ा हुआ है इसकी सहायता ये नीचे 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 जो डॉट बने हुए हैं डॉट से नीचे नीचे छोटे छोटे इनके ऊपर ये प्रेशर करके दबाव करके वो नीचे डॉट बनाए जाते हैं, जो अंधा होता है वो बना देता है भी ए लिखने के लिए, वो उसको पता है कि ए लिखना है, वो कॉर्नर वाले को प्रेस कर देगा, बी के लिए इसके दिमाग में होता है उसको याद होता है, जैसे ही एक पेज पूरा हो जाता है वो पेज को नेक्स्ट पेज कर देते हैं, ऐसे वो लिखते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे समझाई जाएगी आपको नीचे। ए थिक पेपर इज प्लेस्ड ऑन ए वुडन स्लैब एंड इट हैज़ ए स्पेशल स्केल ऑन द पेपर ऑन विच देर आर ग्रुप्स ऑफ सिक्स डॉट्स, छः छः के ग्रुप होते हैं क्योंकि तो छः चाहिए ना, फिर ए को समझने के लिए छः चाहिए, बी को छः चाहिए, इन द लाइन लाइन में होते हैं, ये आप देख सकते हो फिगर 3.3 के अंदर। द लेटर विच हैज़ टू बी एम्प्रोज ऑन द पेपर इज डन बाय मेकिंग होल्स विद द पॉइंटेड पेन, वो डॉट बनाने के लिए पेन का यूज़ किया जाता है, पॉइंटेड पेन होता है, उस पेन को कहते हैं द पॉइंटेड पेन इज नोन एज स्टाइलस पेन, स्टाइलस कहते हैं, क्या कहते हैं स्टाइलस, याद रखना स्टाइलस, और दूसरा होता है स्केल। तो यहाँ तक क्लियर होगा ये अपना, आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट टू राइट लेटर ए देन ए होल इज मेड वन ऑफ द फर्स्ट डॉट विद द पॉइंटेड पेन, तो अगर ए लिखना है तो आप पहले जो छः का ग्रुप है डॉट का उसका जो कॉर्नर वाला है उसको आप पॉइंटेड पेन से ऊपर से प्रेस कर दोगे, ए बन गया। पढ़ने वाला कैसे पढ़ेगा, पेज को पलटेगा दूसरी साइड से देखोगे ऊपर खुदरा हुआ खुदरा वो टोआ सा पड़ जाएगा, दूसरी साइड क्या होगा बाहर निकल जाएगा पेज, वो टच करके पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे किसने कोई चीज़ टच की है और यहाँ पे की है, इट मीन्स ये ए है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये सी है, ऐसे वो स्पेलिंग पढ़ते हैं स्पेलिंग उनके याद हो जाती है ए बी सी डी। आफ्टर मेकिंग होल्स द पेपर इज टर्न ओवर, पेज को पलटा जाता है, ऑन द बैक साइड ऑफ द पेपर एम्बोज डॉट्स कैन बी फेल्ट बाय टचिंग, फेल्ट महसूस कर सकते हो टच करके। नाउ वन कैन आइडेंटिफाई वट एवर इज रिटन बाय टचिंग द एम्बोज्ड डॉट्स, तो ऐसे ही कुछ डॉट्स बनाए जाएंगे जो अंधा आदमी उसके लिए वो बनाएगा और दूसरा अंधा व्यक्ति उसको ऐसे डॉट को टच करके पढ़ लेगा कि हाँ ये ए है ये बी है ये सी ये डी, ठीक है ना, बोला तो उसको आता ही है ना, बोलेगा बेटा ये टच कर रहे हो ना ये, इसको बोलना है ए, जब डॉट यहाँ पे आएगा ए बोल देना, जब डॉट यहाँ पे आएंगे बी बोल देना, ठीक है, इससे वो लिखना सीख जाता है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है आपके लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ब्लो द वर्ड इंडिया, ब्लो द वर्ड इंडिया इज रिटन इन ब्रेल स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट चार्ट, ट्राई टू राइट योर ओन नेम इन ब्रेल स्क्रिप्ट, तो देखिए इंडिया लिखा गया है, देखो अब देखो मैं आपको टच यहाँ पे पेन का यूज़ करते हुए समझाता हूँ, देखो आई के लिए इसने कैसे ये डॉट यूज़ किए, एन के लिए ये डॉट यूज़ किए, डी के लिए ये यूज़ किए, आई के लिए, और ए का हमको पता ही है, तो ये कह रहा है कि जिस प्रकार इंडिया लिखा है ना पीछे अपने पेज नंबर एक पे जाकर देखिए आपका जो नेम है वो ब्रेल स्क्रिप्ट पर कैसे लिखा जाएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आई थिंक ये करना, तो आप इसको करके देखना। नीचे कुछ टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई है, पढ़ लेता हूँ। डिस्कस विद द स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ पर्सन्स हु स्पेशल नीड्स एंड अबाउट सेंसिबिलिटी सेंसिटिविटी टूवार्ड्स दैम, तो ये तो टीचर के लिए भी जो बंदे देख नहीं सकते जो स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है तो उनके बारे में आपकी क्या भावनाएँ रहती हैं। खैर अब अपने चलते हैं पेज नंबर थर्ड पर, तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं पेज नंबर थर्ड पर, इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, ये ब्रेल
स्क्रिप्ट जो बना है ये बना कैसे है, पंगा क्या था ना, कैसे किसने बनाया, क्यों बनाया। वैसे मैंने आपको शॉर्ट के अंदर पहले बता दिया था, लुई ब्रेल नाम का लड़का फ्रांस का रहने वाला, दुकान पे काम कर रहा था, वहाँ खेलते हुए कोई चोट लग गई उसकी आँख के अंदर, आँखें खराब हो गई, अंधा हो गया। थोड़ा बहुत तो पढ़ना आता ही होगा, स्कूल में था तो वहाँ पे कोई कैप्टन आते हैं उसके स्कूल में, वो कहते हैं कि बेटा ये उसके उसने 18 डॉट बना रखे थे, 12 इनको टच करके पढ़ लिया करो। तो उसने सोचा कि 12 के ऊपर 6 कर देते हैं, तो उसने 6 बनाकर उसको बढ़िया अच्छे से ना पूरा सिस्टम के अकॉर्डिंग चला दिया। लुई ब्रेल था तो ब्रेल से उसका जो सिस्टम पड़ गया ब्रेल स्क्रिप्ट। बाकी इसको हम लाइन टू लाइन और पढ़ लेते हैं। लुईस ब्रेल लिव्ड इन फ्रांस व्हाइल प्लेइंग द बॉय लुईस ब्रेल इंजर्ड हिज ओन आईज इन हिज फादर्स वर्कशॉप। तो मैंने बताया था फ्रांस का रहने वाला था, खेलने के दौरान पिताजी की शॉप थी, वर्कशॉप थी, वहाँ पर चोट लग गया आंखों के अंदर, इंजर्ड हो गया। ही बिकेम ब्लाइंड अंधा हो गया। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, काफ़ी शानदार भव्य पूरा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था भाई। ही वॉज बींग टॉट इन ए स्पेशल वे, उसको फिर अलग तरीके से पढ़ाया गया। रीडिंग फ्रॉम द बुक्स वॉज ए डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज ही टुक मोर टाइम टू रीड। तो हमें पता है कि अगर बच्चे को आँखें काम नहीं कर रही हैं तो वो क्या करेगा, इट विल बी क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू हिम और हर। ही विल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम बिकॉज ही कांट शी कांट लिसन एंड सी। तो वो सुन नहीं सकता, सॉरी देख नहीं सकता, तो उसको प्रॉब्लम तो आएगी। तो बहुत टफ था उसके लिए इन चीज़ों को करना, लुई ब्रेल के लिए। वन डे एन आर्मी कैप्टन विजिटेड हिज स्कूल एंड ही शोड हिज 12 डॉट्स बेस्ड स्क्रिप्ट टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। एक दिन कोई कैप्टन आया स्कूल के अंदर, उसने दिखाया कि 12 डॉट हैं, इसको टच करके पढ़ाओ जो आप बच्चों को। लुईस ब्रेल वॉज वेरी इंप्रेस्ड। अब ये बात सुन के लुई ब्रेल को बड़ा अच्छा लगा, ये चीज़ तरीका देखा ना पढ़ने का, उसको बड़ा पसंद आया। ही लाइक्ड इट टू मच। बाय डैड स्क्रिप्ट एंड विद हिज एफर्ट टू चेंज द मेथड ऑफ राइटिंग विद 12 डॉट्स इनटू 6 डॉट मेथड। अब दिमाग लगाया, शानदार था भाई, तगड़ा आदमी था, 12 से 6 कर दिए क्योंकि अंधों के लिए थोड़ा सा और बेचारों के लिए ईजी हो जाएगा। Therefore, the script developed by him was named Braille script. अब उसने ये Braille system लेके आया तो उसी के नेम से ये Braille script उसके नेम पर पड़ गया। क्लियर है ना, ये तो आप GK के लिए, आप सिर्फ 5th क्लास के लिए मत पढ़ना कि 5th क्लास में पढ़ रहे हो तो बस ठीक है। नॉर्मली बच्चों आप इसको याद रखना पड़ेगा कि ये Braille system क्या था, किसने बनाया था, लुई ब्रेल ने बनाया था, फ्रांस का रहने वाला था। अब आगे देखते हैं। By now, you got to know what method those people read and write who are unable to see. तो मैं भी आपको ये कहता हूँ कि अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो लोगों को दिखाई नहीं देता वो कैसे पढ़ते हैं। जैसे स्टार्टिंग अंदर हेनर केलन का नेम आया था, मैंने कहा कि वो राइटर है, आप सोच रहे हो राइटर कैसे बनी, तो उसने भी इसी के इन ब्रेल सिस्टम से, ब्रेल स्क्रिप्ट से सीखा लिखना पढ़ना, ठीक है ना। But you must have seen some people who are deaf and dumb. These people use the sign language of hands, express their views. Let's see how gestures make things understandable. अब ये तो एक कहानी कि जो बंदा अंधे होते हैं उनके लिए क्या करते हैं। अब दूसरा सवाल आपको ये कह रहा है कि आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। The people who can't see and speak, the people who can't listen and speak. So what methods are used for them? Do you have any idea? उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है? So we know some gestures made by hands. तो कुछ इशारों के द्वारा, gesture के द्वारा, indications के द्वारा उनको हाथ से इशारा करके समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब वो gestures क्या होते हैं, वो language क्या होती है, इसके लिए मैं आपको पहले पिक दिखाता हूँ। ये नीचे आप पिक देखिए अपनी बुक में, देखिए पिक आपको दिखाई दे रही है, मैं पेन का यूज़ कर लेता हूँ। देखो ए के लिए मुट्ठी बंद कर लेना, बी के लिए ऐसे करना है, सी के लिए हाथ को ऐसे सी का आकार देना है, डी के लिए फिंगर ऐसे करनी है,
ई के लिए ऐसे करना है, एफ के लिए ऐसे करना है, जी एच आगे ये सारे के सारे आप खुद देख लो भाई, सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो जिनको जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनको ऐसे पढ़ाया जाएगा। जब उनको बोलनी होगी, कोई स्पेलिंग बोलनी होगी, यहाँ पे बॉय बोलना है या कोई भी, तो वो क्या करेंगे, जैसे उनको वो आगे पढ़ते हैं, चलो लाइन टू फिर देखते हैं, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। डू दस एक्ट फॉलोइंग एक्टिविटी, पहले एक एक्टिविटी दी हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप भी इनको करके देखना। डिवाइड द क्लास, पहले चलो हिंदी में बता देता हूँ, फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ये कह रहे हैं कि क्लास के दो ग्रुप बना लीजिए, ए ग्रुप और बी ग्रुप। एक ग्रुप को मान लो, ए ग्रुप उसको कहो कि भाई आपको बोलना नहीं है, इशारों से कोई साइन करने हैं, कुछ इशारा करके बताना है। और आगे जो बी ग्रुप है वो इशारे को कैच करेगा, किसने क्या बोला, क्या करना है। तो ये एक गेम होगी, फिर बी की टर्न आएगी, फिर ए बताएगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप खुद करके देख लेना, ठीक है। डिवाइड द क्लास इंटू टू ग्रुप्स, वन मेंबर ऑफ एनी ग्रुप विल इंस्ट्रक्ट विदाउट स्पीकिंग ओनली विद द गेस्टर्स ऑफ द हैंड, लाइक स्टैंड अप, कम हेयर, ओपन द बुक एट्सेट्रा। तो जैसे कुछ सिंपल से एक्टिविटीज को करनी होगी हाथों से, मान लो हाथ को ऐसे हाथ खोलेगा तो कहेगा मतलब बुक खोलनी है, ऐसे इशारा करेगा जाने वाला तो कहेगा हाँ जाना है, समझेंगे जाने को कह रहा है, बैठने का इशारा करेगा, बोलेगा तो है ही नहीं, हाथ से करेगा सारा कुछ। द अदर ग्रुप विल परफॉर्म द एक्टिविटी बाय अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन यूजिंग गेस्चर्स। दूसरा ग्रुप उसको पहचानेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम ये रहेगी, आपको खेलना तो खेल लेना, वैसे भी घर पे फ्री बैठे हो तो लॉकडाउन चल रहा है। ओके तो आगे पढ़ते हैं। द वे यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस थ्रू गेस्चर्स इन द सेम वे पीपल हु आर डेफ एंड डम डम ए स्पेशल सिम्बोलिकल लैंग्वेज इज यूज फॉर देम। तो जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए भी ये ऐसे कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है। सिंबॉलिक यानी कि प्रतीक। द पिक्चर ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज आर गिवन हेयर, यहाँ पे पिक दी हुई है, हमने देख ली, इस पिक को पहले देख लिया। लुक एट इट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन योर क्लासमेट द वर्ड बॉय विदाउट स्पीकिंग, यू कैन ऑल्सो आस्क सम अदर वर्ड। तो एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, ये कह रहा है कि आप अपने इशारों से बॉय को बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। देखो पहले आप ऐसे हैंड करना बी, फिर आप ऐसे जीरो का साइन बनाना ओ, फिर आप नीचे वाई का साइन यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला वाई, फिर ये बोल देना, बन जाएगा बॉय। मान लो आपको कोई और बोलना है, जैसे आपको बोलना है गर्ल, गर्ल के लिए पहले आपको जी बोलना है, इशारा ऐसे कर दो जी, फिर इसके बाद में आई, फिर आर और लास्ट के अंदर एल, बन गया गर्ल। तो ऐसे आप इसको गेम के जरिए खेल भी सकते हो। देखो तो स्टूडेंट्स, खेल खेल के सीखोगे तो बढ़िया है ना, इंजॉय करो स्टडी को, ऐसे नहीं कि भाई नंबर लेने पास होना है। एजुकेशन का मतलब होता है आपको कुछ सिखाना, आप कितने एक्टिव बन पाते हो। तो आप ये एक्टिविटी खुद करके देख सकते हो। तो यहाँ पर अपना ये पेज नंबर पूरा हो गया, थर्ड पेज। अब पेज नंबर फोर पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये हम पेज नंबर फोर पे आ चुके हैं। पहले थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, इफ देर आर एनी स्टूडेंट इन योर क्लास हु आर अनएबल टू सी स्पीक और वॉक, इन वट वेज विल यू हेल्प देम। ये पूछ रहा है कि अगर क्लास में आपके कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते या फिर चल नहीं सकते, तो आप उनकी सहायता कैसे करोगे। अब ये मत कहना कि हेल्प करेंगे नहीं, अगर आप इफ़ यू आर ए गुड स्टूडेंट देन यू मस्ट हेल्प देम, उनकी सहायता करोगे। जैसे कोई बोल नहीं सकता तो उनको बेचारे को अपने तरीके से इशारों से समझाने की कोशिश करोगे, अगर कोई चल नहीं सकता तो उनकी उसको साथ में चलने के उसकी वो चीज़ें ला कर दोगे, या फिर थोड़ी बहुत सहायता उसकी करोगे। जो देख नहीं सकता उसको, आपने देखा होगा कुछ लोग रोड क्रॉस करते हैं, तो कुछ लोग जो दिखता देखने वाला नहीं है, अंधा है, उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाते हैं। तो आप भी इस प्रकार उनकी एक जस्ट पोलाइटनेस एंड बींग ए ह्यूमन बींग, आप उनकी सहायता ज़रूर करोगे, तो करनी भी चाहिए एक अच्छे अगर आप इंसान हो तो। आगे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जस्ट आपको एक्टिविटीज़ हैं, पढ़ लेते हैं करना क्या है। इफ़ देर आर एनी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन योर सराउंडिंग, अगर कोई ऐसे बच्चे आपके इलाके में है
दे डू नॉट गो टू स्टडी, जो स्कूल नहीं जा सकते, एनकरेज देम एंड ट्राई टू ब्रिंग देम टू स्कूल अलॉन्ग विद यू। तो कोशिश कीजिए कि आप उनको स्कूल लेके आएँ या फिर उनको एनकरेज करें कि भाई स्कूल में चलो, क्योंकि बच्चों स्कूल से आप बहुत चीज़ें सीख जाते हो। अभी आप 5th क्लास में हो तो आपको स्कूल बोरिंग लगता होगा, बट अकॉर्ड जब जैसे टाइम बीतेगा ना, बड़े हो जाओगे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आएगी, तब आप सोच समझोगे। ठीक है, आगे अभी स्टिक के थिंक थ्रेड ऑन द बाउंड्रीज। स्टिक के थिक थ्रेड, एक धागा लीजिए कोई थ्रेड, उससे एक बाउंड्री बना दीजिए, स्टेट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया। देन क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्टेट्स बाय मूविंग योर ऑन फिंगर ओवर इट। एग्जांपल, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड केरला। ये तो एक धागा लेना है आपको, थ्रेड लेना है, मैप पे रखना है, बाउंड्री बनानी है, फिर उसको टच करके देखना है ताकि इसे आप पढ़ सको। नंबर थर्ड है, आर देयर एनी पर्संस इन योर वैसिनिटी, यानी कि लोकेलिटी, आपकी जान पहचान में, आपकी नॉलेज में, हु अचीव्ड सक्सेस इन द लाइफ डिस्पाइट फिजिकल इम्पेयरमेंट्स। कि क्या आप ऐसे किसी बंदे को जानते हो जो फिजिकली हैंडीकैप हो, कोई भी ऐसे किसी की टांग काम नहीं करती, लेग नहीं काम करती, बट उसने कोई सक्सेस हासिल की हो, कोई ऐसा इंसान जो, जैसे मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, टिफनी बराड नाम की एक कहानी है, मैंने उस पर प्ले भी किया था, एक नाटक भी किया था। वो लड़की देख नहीं सकती थी, तो उसने स्टडी करनी शुरू की, प्रेजेंट में स्कूल भी चला रही है वो अंधों के लिए, तो वो काफ़ी सक्सेस रही है। टिफनी बराड, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, टिफनी बराड। अब चलते आगे, हैव ए डिस्कशन विद दीज पीपल एंड ट्राई टू नो अबाउट देयर स्ट्रगल इन लाइफ। अब आपको क्या करना है, ऐसे लोगों से बात करके देखनी है जो हैंडीकैप है, कि आखिर वो कैसे अपनी लाइफ को चलाते हैं, वो काम कैसे करते हैं। कभी मिले तो बैठ के बातें करके पूछना ना, बढ़िया पोलाइटनेस, अच्छे बिहेवियर के साथ। अब आगे लास्ट में, आई होप यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये दिया हुआ है सेरेब्रल पॉलिसी। ये एक डिजीज़ है, पहले मैं बता दूं आपको कि ये कौन सी डिजीज़ है। देखो कई बार क्या होता है ना, आपने कुछ स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थी, कुछ बच्चे, कुछ लोग देखे होंगे जिनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सही हैं, हाथ सही है, पैर सही है, बट क्या है ना, उनका माइंड कंट्रोल नहीं कर पाता, वो चीज़ों को उठा नहीं पाते, चल नहीं पाते। बॉडी पार्ट्स सारे सही हैं, उनका माइंड कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ऐसी डिजीज़ को कहते हैं सेरेब्रल पॉलिसी। हम पढ़ते हैं इसको। यस, सेरेब्रल पॉलिसी, हैव यू हियर्ड दिस नेम, कि क्या आपने ये नेम सुना है, नहीं सुना तो अब सुन लिया होगा। दिस इज़ ए काइंड ऑफ डिजीज इन विच ऑल द ऑर्गन्स लाइक हैंड्स, लेग्स एट्सेट्रा। इस डिजीज़ के अंदर आपके हाथ, पैर आदि जो ऑर्गन्स हैं ऑफ द पेशेंट आर फाइन, सही होती हैं, बट दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, काम तरीके से नहीं कर पाते। ड्यू टू दिस डिजीज द पेशेंट्स ब्रेन डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर बॉडीज ऑर्गन्स लाइक ही कांट पिक अप द बुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ दैम। तो माइंड काम नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता, तो वो चीज़ों को उठा नहीं पाते, काम नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, किसी के सामने कोई बुक पड़ी हुई है बट वो बुक उठा नहीं पा रहा, इट मीन्स उसको एक डिजीज़ है, डिजीज का नेम रहेगा सेरेब्रल पॉलिसी। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं फिर। अब आगे ये बताएगा कि ऐसे लोगों को पढ़ाया कैसे जाता है, क्या मेथड्स उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज नेसेसरी इन द डिजीज, इन दिस डिजीज। तो ऐसी बीमारी में उनको सिर्फ एक ही चीज़ होती है, एक्सरसाइज। वैसे भी कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, की अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी काम की तो आप उस काम में एक दिन बड़े एक्सीलेंट बन सकते हो, मास्टर बन सकते हो। कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी चीज़ टफ नहीं है, कोई भी चीज़ भी क्या कहते हैं उसको, इम्पॉसिबल नहीं है, जस्ट डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, इंटरेस्ट एंड हार्डवर्क। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, आप चीज़ें वो कर सकते हो। तो उनको, ऐसे लोगों को कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। बाय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज द ब्रेन स्लोली स्टार्ट्स कंट्रोलिंग द बॉडी पार्ट्स। तो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली देर आर सम डिफरेंट एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिसिंग एंड राइटिंग। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक्सरसाइज उनको और दी जाती है,
दिस ग्रेजुअली हेल्प्स द पर्सन टू बिकेम नॉर्मल। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बंदा नॉर्मल हो जाता है, वो पर्सन नॉर्मल हो जाता है। ऑल्दो दे आर नॉट एबल टू वर्क एट नॉर्मल स्पीड लाइक अस, बट दे आर स्टिल इम्प्रूव कंसिडरेबली। हालांकि वो प्रॉपरली तो नहीं भाई हम कह सकते कि वो हमारे जैसे बन जाते हैं भी, जैसे अपने फास्ट फास्ट लिखते हैं, फास्ट फास्ट बोलते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, बट एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस तो करते हैं। जैसे जिसको चला नहीं जाता, बिल्कुल मान लो चार पाई पे बैठा है, तो वो धीरे धीरे खड़ा होना, बैठना, थोड़ी दूर तक चलना सीख लेता है। मान लो किसी का कोई चीज़ उठाई नहीं जाती, भारी चीज़ें नहीं उठा सकता, तो वो हल्की फुल्की चीज़ें उठानी शुरू कर देता है। बाय द टाइम पासिंग वन डे ही एंड शी मस्ट बी एबल टू बींग ए नॉर्मल पर्सन, एक अच्छा पर्सन वो बन जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये बीमारी को हम क्या कहते हैं, दोबारा सुनो, सेरेब्रल पॉलिसी, याद रखना सेरेब्रल पॉलिसी। अब नीचे टीचर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई है। दूरदर्शन टीवी चैनल टेलीकास्ट स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन फॉर डेफ एंड डम पीपल, ट्राई टू शो दीज न्यूज़ टू द स्टूडेंट इन योर क्लास इफ़ पॉसिबल। देखिए आपको तो मुझे लगता है दूरदर्शन का नेम तक नहीं याद होगा कि ये दूरदर्शन है क्या। आज से 5-10 साल पहले ना, जब ये डिश वगैरह नहीं होती थी, मोबाइल नहीं ज़्यादा नहीं होते थे, इंटरनेट ज़्यादा नहीं था, तो घर पे जो टेलीविज़न था उस पर एक ही चैनल चलता था, दूरदर्शन और DD2। दूरदर्शन आज भी कभी लगा के देखते तो पता चल जाएगा, दूरदर्शन उसका नाम ही ऐसे रखा गया था, दूर का दर्शन, दूर के दर्शन करवाने वाला। फ़ोटोएँ आती थी, आज तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, गूगल है, LCD, बड़े बड़े टेलीविज़न आ गए। तो ये पुराने टाइम की बात है, अपने कभी अपने फादर से बात करके पूछिए, अपनी मदर से पूछिए, ग्रैंडफादर से पूछिए। तो दूरदर्शन उनका फेवरेट चैनल था, सबसे फेवरेट चैनल। मैंने भी कुछ टाइम स्पेंड किया देखने के लिए, महाभारत आती थी, ठीक है, और न्यूज़ आती थी शाम को 7 बजे, तो कुछ याद हैं, प्रोग्राम आते थे, शक्तिमान, शकलक बमऊ, ये सारे उसी पर आया करते थे, पहले दूरदर्शन ही था। तो अब प्रेजेंट टाइम के अंदर तो शायद आप नहीं देखोगे, बट देखना, अगर ट्राई करना अपनी डिश पे, सर्च करना कि दूरदर्शन कहाँ पे है, तो उनके अंदर का जब न्यूज़ आती है ना, तो न्यूज़ के एक तो नॉर्मल उनका रिपोर्टर होता है, वो नॉर्मल बोलता रहता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और साथ में उनके एक स्लाइड में एक और रिपोर्टर होता है जो बोलता नहीं, इशारे कर रहा होता है, ऐसे हाथ से हिला रहा होता है, कभी ऐसे कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, वो अंधों को समझाने के लिए, बहरों को समझाने के लिए, उनके लिए होता है ये दूरदर्शन। ये हमेशा से एक्सपर्ट काम करता है, कभी मौका मिले तो देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम आसपास की चीज़ों से सीखते हैं, बट आजकल हम ज़्यादा ही कुछ इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, हम ऑब्ज़र्व नहीं करते दुनिया को कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। खैर, अब हम आगे जो लास्ट इसका चैप्टर का पेज, उस पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं, पेज अपना जो चैप्टर वो फिनिश हो चुका है, जस्ट थोड़ा सा ये पढ़ने वाला रह गया कि क्या सीखा है, और एक चीज़ ये रहेगी, थोड़े से क्वेश्चन ये कर लेंगे, और ये भी कि हमने ग्लोसरी है, कुछ वर्ड मैंने बता दिए वैसे, तो वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, 3 चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं। नंबर फर्स्ट है, डिस्पाइट फिजिकल एफिशिएंसीज पीपल हैव स्पेशल एबिलिटीज़। तो जो लोग फिजिकल होते हैं, कुछ हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के मेथड यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, वो अलग प्रकार की एबिलिटीज़ उनके पास होती हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट हेल्प्स द ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड राइट। हमने ये देखा कि ब्रेल स्क्रिप्ट है, वो हेल्प करती है उन लोगों की, वो कांट सी, जो देख नहीं सकते, उसके जरिए, ब्रेल स्क्रिप्ट के जरिए, उसके अंदर एक स्केल भी आता है, एक स्टाइल पेन भी आता है ना, स्टाइलस आता है जिसको पॉइंटेड पेन कहते हैं, और एक ब्रेल स्क्रिप्ट आती है। ये 3 चीज़ों को मिलाकर वो सिस्टम बना था, ठीक है, हमने ये भी देखा था। नंबर थर्ड पर हमने देखा था, दोज पीपल हु आर डेफ एंड डम्प टॉक इन साइन लैंग्वेज। तो जो लोग बहरे होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, हु कांट स्पीक एंड लिसन, दे यूज़ ए डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज, गेस्चर्स, तो वो कुछ इशारों की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर देखी। अब पहले ग्लोसरी कर लें थोड़ी सी, फिर आपके ये क्वेश्चन ये भी करवा दूंगा। यहाँ पे कितने 5 वर्ड ही हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। पहले सिंपल रखता हूँ, ब्लाइंड फोल्ड, आँखों पर पट्टी बांध देना, डेफ और डेफ, गूंगे और बहरे, एम्बोज्ड, वो डॉट जो खुदे हुए होते हैं, उभरा हुआ हिस्सा,
गैस्चर यानी साइन इशारे और डिजीज यानी कि बीमारी। अब लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं। ब्लाइंड फोल्ड ए पीस ऑफ क्लॉथ हैड अराउंड टाइड अराउंड द हेड टू कवर समथिंग्स आई समवंस आई। किसी की आंखों को बांधने के लिए जो कपड़ा बांध देते हैं, अंधा कर देते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड फोल्ड। फिर है सेकेंड डेफ एंड डैम पीपल हु कांट स्पीक एंड लिसन। जो लोग सुन और बोल नहीं सकते उनको कहते हैं डेफ एंड डम। आगे एम्बोज्ड कवर्ड ऑन ए सरफेस, सरफेस पर उठी हुई जगह ऐसे उकड़ू सी बनी हुई। गेस्चर साइन और विजिबली बॉडी एक्शंस, जिन चीज़ों को देख सकते हो ऐसे बॉडी से कुछ इशारे करना, स्पेशली हैंड्स टू द कम्युनिकेट। जब आप हाथों का यूज़ करते हो कम्युनिकेट करने के लिए, इशारे करते हो, डैट इज़ कॉल्ड गेस्चर। इशारा नहीं करते जाने के लिए चले जाओ, हाथ से हाथ हाथ लेता कि चले जाओ, बैठने के लिए टीचर क्लास में इशारा करता है ऐसे नीचे हाथ कर देता बैठ जाओ, तो हम हाथों का ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको गेस्चर कहते हैं। आगे है लास्ट में डिजीज़। डिजीज़ मीन्स डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बिगड़ी हुई चीज़ जो बॉडी के अंदर काम करती है, जो बीमार कर देती है, डिसऑर्डर कर देती है, हमारे सिस्टम को ख़राब कर देती है, डैट इज़ कॉल्ड डिजीज़, बीमारी। अब यहाँ पे कुछ फिल द ब्लैंक्स आए हैं चार, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनको कर लेते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय, बताइए किसने बनाई थी ब्रेल स्क्रिप्ट। इसका आंसर रहेगा लुई ब्रेल। इट कंटेन्स ऑफ प्रोडक्ट इंडिकेशंस बेस्ड ऑन डैश डॉट, कितने डॉट होते हैं उसके अंदर, 12 होते हैं कि 6 होते हैं, 6 होते हैं, 6। आगे है इन ब्रेल स्क्रिप्ट ए पॉइंटेड, एक पॉइंटेड क्या यूज़ किया जाता है, पेन, पॉइंटेड पेन इज यूज टू राइट एंड इट इज़ नॉन एज डैश। इसको क्या कहते हैं, उस पेन को क्या कहते हैं, स्टाइलस। स्पेलिंग आप पीछे देख लीजिए बुक के अंदर लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये अपना चैप्टर था, आई थिंक था थर्ड चैप्टर था, इसको लाइन टू लाइन अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। लुई ब्रेल के बारे में सीखा, ब्रेल सिस्टम के बारे में सीखा, ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में, स्टाइलस के बारे में, पॉइंटेड पेन के बारे में, और सिंबॉलिक लैंग्वेज के बारे में, गेस्चर के बारे में, और एक बीमारी सेरेब्रल पॉलिसी और पॉलिसी, इनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अगर आपको वीडियो लाइक अच्छी लगी हो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन, अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को, स्टेटस लगा दिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी खैर बातें तो होती रहती है। मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर 4 के अंदर, देखते हैं उस वो चैप्टर में क्या कुछ है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।